हेलो फ्रेंड, समान अध्ययन के पर जो समान अध्ययन का मैं सीरीज चला रहा हूँ उस पर स्वागत है आप सभी लोगों का। खैर मकतब है दोस्तों, मेरा ऑनलाइन ला क्लासेस चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये यूनिट फोर है और ये बताएंगे आपको धार्मिक आंदोलन रिलीजियस मोमेंट। ये क्वेश्चन जो 1990 से लेकर 2019 तक जो है अब तक PCS पेपर में पूछे कि उसका जो है पूरी समराई है और ये टोटल MCQ के साथ व्याख्या भी है। अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे बात करूँगा दोस्तों। खासकर ये आप इस पर पकड़ होनी चाहिए जिस पर मैं टोटल 30 मिनट का मैं वीडियो बनाऊंगा, डेली बनाऊंगा, और आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें, मेरा हौसला अफजाई करते रहें। ठीक, अब मैं बात करता हूँ जैन धर्म से संबंधित। जैन धर्म भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य किस भाषा में क्या थी? तो उत्तर है संस्कृत। महायान संप्रदाय की बात करता है तो महायान संप्रदाय की जो साहित्य की भाषा थी वो थी क्या? संस्कृत थी। भारतवर्ष में महायान संप्रदाय के साहित्य की भाषा संस्कृत थी। महायान संप्रदाय के बुद्ध को ईश्वर के तुल माना गया। जो बुद्ध थे वो ईश्वर के समान हैं। सभी प्राणी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते थे, यानी सभी प्राणी जो है प्राणी बुद्धत्व को क्या है प्राप्त कर सकते थे। वो दुख है तो बहुत ही सहज तरीके से उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। पूजा पाठ भले ही ना करें लेकिन प्रार्थना में शक्ति है। अगर पूजा पाठ ना करें लेकिन जो प्रार्थना है उसमें पावर्स है, और सामूहिक रूप से की गई प्रार्थना से कष्ट को जो है क्या होता है दूर होता है। पूर्वी बुद्ध शाखा को महायान तथा पश्चिमी बुद्ध शाखा को हीनयान कहा जाता है। यानी जो पूर्वी बुद्ध शाखा है उसे क्या कहा जाता है? महायान कहा जाता है, और पश्चिमी बौद्ध शाखा को हीनयान के नाम से जाना जाता है। महायान के प्रमुख विचारक अवश्य घोष, नागार्जुन और असंख थे। दूसरा क्वेश्चन है, महावीर स्वामी किस नदी के तट पर? क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी किस नदी तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? उत्तर है ऋषिजुपालिका। अब हम इसको व्याख्या देखते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम के गार्तिक कुल तथा वज्जी संघ के प्रधान सिद्धार्थ के घर 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी जो चेतक की बहन थी तथा इनकी पत्नी यशोदा थी। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या तथा साधन के बाद 42 वर्ष की आयु में महावीर को जिर्ब ग्राम के निकट ऋषिजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे केवल में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय है कि महावीर स्वामी की मृत पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। सूची देखिए, सिकंद सूची देखिए, तो सही सम्मिलित कीजिए। शांतिनाथ, मल्लिनाथ, परशुनाथ, महावीर, मृग, शिन, सर्प, जल कलश। अब इसका जो उत्तर है इसका हम देखते हैं। इसका उत्तर है डी। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकार हुए हैं। पहला ऋषभ यानी आदिनाथ, दूसरा आजितनाथ, संभव, चौथा अभिनंदन, पांचवा सुमाति, छठवा पदम्ब प्रभ सुपर्श्व, आठवां चंद्र प्रभु, नौवा पुष्पदंत, दसवां जो है शीतल, ग्यारहवां सिरहांस, बारहवां वासुपूज, तेरहवां विमल, चौदहवां अनंत, पंद्रहवां धर्म, सोलहवां शांति, सत्रहवां कुंथ, अठारहवां अरहा, 19 मल्ली, 20 मनु सुब्रत, 21 नमे, 22 नोमी, 23 परशुनाथ, 24 महावीर। सांतनाथ का चिन्ह जो था क्या था? मृग था। मल्लिनाथ का
जल कलश था। सारनाथ का जो क्या चिंता मृग था, मल्लीनाथ का जल कलश था, परशुनाथ का चिंता सर्प तथा महावीर का था सिंह था। फर्स्ट सूची शिखर सूची को सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए कोटों का उपयोग में सही उत्तर चयन कीजिए। ऋषिदेव, ऋषिनाथ, शंभोनाथ, पद्मनाथ, परशुनाथ, उत्तर इसका डी है। ए का तीन, श्रावस्ती सर्वनाथ का क्या था श्रावस्ती, बी के फोर सर्वनाथ का अवध्या, सी के वन पद्मनाथ का जो है काशी, और डी का टू परशुनाथ का कौशाम्बी। ऋषभनाथ ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार थे। ये जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भारत को राज्य देकर स्वयं तीर्थकार हो गए थे। इनका जन्म स्थान अवध्या शंभोनाथ, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकार थे। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। श्रावस्ती में आठवें तीर्थकार चंद्रप्रभु तथा आजीव संप्रदाय के मुख्य संस्थापक मखिली गोसाल का भी जन्म हुआ था। पद्मनाथ ये जैन धर्म के तीर्थकार थे। इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। मध्ययुगीन जैन ग्रंथों में कौशाम्बी को विभत तीर्थकल्प कहा गया था। ये स्थान बौद्ध धर्म का भी तीर्थस्थल माना जाता है। परशुनाथ तीसरे तीर्थकार थे। ये वाराणसी के राजा अवसेन के पुत्र थे। उनका विवाह कुशासन देश के राजकुमार प्रभावती के साथ हुआ था। छठवां सवाल देखते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, उत्तर है मखिली गोसाल। व्याख्या देखते हैं। मखिली पुत्र गोसाल पहले महावीर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद हो जाने पर उन्हें महावीर का साथ छोड़कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय का स्थापित किया। आजीवक संप्रदाय लगभग 1200 ईस्वी तक बना रहा। इनका मत नियतिवादी भाग्यवादी कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित होती है। मनुष्य के जीवन पर उसके कर्मों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। महावीर के सामने गोसाल भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे तथा जीव और पदार्थ को अलग अलग तत्व मानते थे। सत्य की अनेकांता का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? उत्तर है सी, जैन धर्म। जैन धर्म के अंतर्गत ज्ञान का सिद्धांत श्यादवाद कहलाता है। तत्वमीमांसा की दृष्टि से इसके अनेकतावाद भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की जाती है कि सच की अनेक पहलू है। इसमें किसी भी वस्तु के संबंध में सात परामर्श दिए जाने के बाद भी कह जाती है। श्योदवाद, जिसे भी अस्तम भांगनीय भी कहा जाता है, ज्ञान की सपिष्टता का सिद्धांत है। जैन के अनुसार सांस्कारिक वस्तुओं के विषय के बारे में हमारे साथी निर्णय सापेक्ष सीमित होते हैं। ना तो हम किसी के पूर्ण रूप पर स्वीकार कर सकते हैं और ना ही अस्वीकार है। ये दोनों आतियाँ हैं, अतः हम प्रत्येक निर्णय के पूर्व शायद लगाना चाहिए। इनके सात प्रकार बताए गए हैं, जिसे अस्तम भांगनीय को ज्ञान की सपिष्टता का सिद्धांत कहा जाता है। पहला है स्यात ये वस्तु है, स्यात अस्तित्व, स्यात ये नहीं, स्यास्त नस्ति, स्यास्त ये भी नहीं है और वो भी नहीं है, स्यास्त अस्ति और नास्तित, स्यात ये भी अभिव्यक्ति है, स्यात अभिव्यक्ति, पचुकर स्यात ये है तथा अभिवृत्त है, स्यात नस्तित चा अभिक्त, छठी कहता स्यात ये ही नहीं है और अभिव्यक्ति है, स्यात नचिस्त चा अभिव्यक्तम, सतवीं बात करता है स्यात ये भी नहीं है और न ही भी अभिव्यक्तम, स्यात अस्तित्व चा नमस्त चा अभिव्यक्तम। अब आठवां सवाल कहता है, जैन धार्मिक ग्रंथों के अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? तो उत्तर है बी, पाटिल पुत्र के। नवा सवाल है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? उत्तर है प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखा गया था। ओके, जैन साहित्य
अर्धमगधी भाषा में लिखा गया। प्रारंभ में जैन ने मुख्यतः ब्राह्मण तथा संपोषित संस्कृत भाषा का परित्याग किया और अपने धर्मोदास के लिए आम लोगों की बोलचाल की प्राकृत भाषा को अपनाया। उनके धार्मिक ग्रंथ अर्धमगधी भाषा लिखे गए ग्रंथ ईसा की 6वीं सदी में गुजराती में बल्लभी नामक स्थान जो एक महान विद्या केंद्र था अंतिम रूप से जो है क्या किया गया संकलित किए गए थे। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहता के रूप में की जानी थी, कहाँ से की जानी, तो उत्तर है डी चतुर्याम नाम से। पार्श्वनाथ जैन जो है धर्म के 3वें तीर्थंकर थे। उन्होंने भिक्षुओं को केवल 4 वर्त का प्रधान दिया था, पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य तथा अपरिग्रह। बाद में 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने इसमें 1/5 वर्त ब्रह्मचार्य भी जोड़ दिया गया, उसका पालन करना अनिवार्य बताया गया। जैन धर्म में 3 रत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र रखा गया तथा इन मोक्ष को लिए 3 आवश्यक साधन बताया गया। 5वां महावर्त में अहिंसा, सत्य असत्य अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य ये जोड़ा गया था। प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ से मिलता है, तो उत्तर है विकल्प सूत्र से मिलता है। किससे मिलता है, कल्प सूत्र से मिलता है, यानी भागवती सूत्र में महावीर का जीवन कुछ प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म में प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कल्प सूत्र की जो है भद्रबाहु ने की थी। परिशिष्ट हेमचंद्र कृत ग्रंथ है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की प्रारंभिक तथा उत्तरकालीन घटनाओं की सूचना मिलती है। अब हम बात करते हैं जैन आचार्यों के निम्न रूप से जाना जाता है, तो उत्तर है तीर्थकार। श्री क्या नाम से जानता है, तीर्थकार के नाम से जानता है। कुंडलपुर जन्म स्थान क्या है, सी है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ, कुंडग्राम में हुआ था, जबकि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धत्रा क्षेत्र माना गया है, उत्तर है सी सामोद शिखर। जैन धर्म के 3वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का संबंध छोटा नागपुर के पहाड़ी परसनाथ की चोटी समेत शिखर से है। इसी स्थान पर जैन धर्म के 3वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने कठोर तपस्या की थी। इन्होंने तपस्या के 14वें दिन केवल प्राप्त हुए थे। इनके निर्माण निवार में भी इसे पहाड़ी से हुआ था। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 15 सवाल देते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से प्रयुक्त किससे संबंधित है, उत्तर ए वाराणसी। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषिदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषिदेव थे। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24वें तीर्थकार हुए थे, जिसमें ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है तथा इन्हें बाद की परंपरा में स्वयं भगवान शंकर का अवतार कहा जाता है। वैदिक मंत्रों में केवल 2 तीर्थकार ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेम के नाम उल्लेख है मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव को नारायण का अवतार के रूप में चित्रित किया गया है। 24वें तीर्थकार जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकार नहीं है, उत्तर है ए चंद्रप्रभा, बी नाथमुनि, सी नोमी, डी संभव। तो उत्तर है बी नाथमुनि। ब्राह्मणीय कर्मकांड जटिल वर्ण श्रम व्यवस्था और युगों के व्यापक पैमाने पर किए जा रहे हैं। पशु बलि के विरोध में समकालीन अंधार्मिक तरह
जैन धर्म भी स्थापित हुआ है। जैन मत के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक और महान उपदेशक वर्धमान महावीर के पूर्व 23 और उपदेशक हुए जो तीर्थकार कहलाते थे, जिसमें प्रथम ऋषभदेव, आदिनाथ, तेसवे, परशमनाथ, चंद्रवर्मा, नौमी सबो आज जैन धर्म के थे तथा नाथ मुनि जैन तीर्थकार नहीं थे। 18वां सवाल देते हैं, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थकार में से कौन महिला तीर्थकार थी? तो उत्तर है श्री मल्लीनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार तीर्थकार में मल्लीनाथ स्त्री थी और 19वीं तीर्थकार थी। समातिनाथ 5वें, शांतिनाथ 16वें, अरिष्टनोमी 22वें तीर्थकार थे। ये सभी पुरुष थे। इनके विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन दिगंबर जैन का मानना है कि महिला तीर्थकार नहीं हो सकती है और मल्ली एक आदमी थी। 19वां सवाल है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थकार नेमिनाथ किससे संबंधित थे? उत्तर है बी कृष्णा से। गौतम बुद्ध के समय आविर्भूत होने वाले अरूढ़िवादी संप्रदाय में जैन धर्म के महावीर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वे जैन धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, किंतु हम उन्हें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तक कह सकते हैं। वो बुद्ध के बाद भारतीय नास्तिक आचार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। परंपरा उन्हें 24वां तीर्थकार बताती है। इनके पहले 23वें तीर्थकार हो चुके थे, जिसमें 23वें तीर्थकार पशुनाथ के इतिहास सिद्ध हो चुके थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार नवमीनाथ कृष्णा किससे संबंधित थे? उन्हें कृष्णा के समकालीन बताया गया था। कंकाली टीला मथुरा में जैन तीर्थकार के चित्र प्राप्त हुए थे। चर्प फल निम्नलिखित किससे लक्षण है? उत्तर ऋषि परशुनाथ। कंकाली टीला मथुरा में जैन तीर्थकार के चित्र प्राप्त हुए, जिनमें परशुनाथ के सांपों में एक ऋषभ देव को स्थान, शांतिनाथ को हिरण, महावीर को सिंह के साथ प्रदर्शित किया गया। या 21वां देखते हैं, यापनीय संघ किससे संबंधित है? ए जैन से है। यापनीय संघ जैन धर्म से संबंधित है। इसमें जैनों के आचार विचार के संबंध में व्याख्या की गई है। 22वां 22 देते, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? उत्तर है बी उपहास द्वारा प्राण त्याग। जैन धर्म में संलेखना संथारा से तात्पर्य उपहास द्वारा परित्याग होता है। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गए थे और उसके शासनकाल अंत में ही मगध के 12वें वर्ष के अकाल पड़ा। अकाल की स्थिति से निपटने में असफल होकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहागन त्याग कर भद्रबाहु के साथ सरोवर बेलगोला मैसूर के तपस्या करने चले गए। इसी स्थान पर संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे। 23 किसी जैन सभा में अंतिम रूप से स्वतंबर आगाम का संपादन हुआ? उत्तर बी बल्लाबी से। महावीर के मृत्यु के उपरांत निम्नलिखित में से किसके जैन संघ के प्रमुख बनाने का वर्णन हुआ? उत्तर है डी सुधर्मा। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी शामिल थे। ये गणधर कहलाए। इन्हें अलग अलग समूह का अध्यक्ष बनाया गया। महावीर की मृत्यु के बाद केवल एक गणधर शुद्ध वर्मन जीवित बचा, जो जैन संघ और का उनके बाद प्रथम अध्यक्ष बने। भद्रबाहु कृत जैन कल्पसूत्र से पता चलता है कि महावीर के 20 वर्षों के बाद सुधर्मन की मृत्यु हो गई थी तथा उसके बाद जाम्बू 44वें बस्तर संघ के अध्यक्ष रहे। अंतिम नंद राजा के समय में ही संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। ये दोनों महावीर द्वारा प्रदत्त 1400 पूर्व विषय जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। असल भद्र संभूत विजय के शिष्य थे। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? उत्तर ए जमाली था। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में लगभग वैशाली के निकट कुंड क्राम में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ ग्यारतिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी माता त्रिशला अथवा
विद्याता पैशाली लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक का बहन थी। महावीर की शादी कुंदिनी गोत्र कन्या यशोदा के साथ हुआ था। उससे उन्हें अरुज प्रियदर्शन के नाम से पुत्र पैदा हुए। उसका विवाह जमाली के साथ हुआ था। जमाली महावीर के दामाद तथा प्रथम अनुयायी शिष्य बना, यानी जमाली जो था महावीर का अनुयायी और प्रथम। प्रभा सागर जिनका तीर्थस्थल है वो कहाँ है? बी जैन। प्रभा सागर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी स्थित में जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी का प्रभा सागरी स्थल छठवा जैन तीर्थकार पदम प्रभु से संबंधित है। अब हम देखते हैं एक मिनट, तीरतन डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री जेवेलिस, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म में की महिमा है वो है जैन धर्म से है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर ने मोक्ष पाने के लिए तीरतन का सिद्धांत तीन साधन आवश्यक बताए हैं। पहला है सम्यक दर्शन। क्या है सम्यक दर्शन? जैन तीर्थकार को उनको उपदेशों में दृढ़ विश्वास ही सम्यक दर्शन श्रद्धा है। इस 8 अंग बताए हैं। इसमें संदेह दूर रहना, संदेह से दूर रहना, दूसरी संस्कार सुखों की इच्छा को त्याग करना, तीसरी शरीर को मोह राग से दूर रहना, भ्रामक मार्ग पर न चलना, सही विश्वास पर अटल रहना, सबके प्रति प्रेम भाव रखना, जैन धर्म का श्रेष्ठ समझना ये बताएगा। दूसरी बात है सम्यक ज्ञान में है। जैन धर्म में उसके सिद्धांत ज्ञान से ही सम्यक ज्ञान है। ये ज्ञान 5 प्रकार के बताए गए हैं, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्याप और केवल। सम्यक चरित्र जो कुछ भी जाना जा चुका है और सही माना जा चुका है उसे कार्य रूप से परित करना ही सम्यक चरित्र है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का आधार बिंदु अहिंसा। वैसे ही जैन धर्म में 5 महाव्रतों का विधान है। भिक्षुओं के लिए किया गया है। पहला सत्य और अमृतसा, इसमें सदा सत्य और मधुर बोलने की बात कही गई है। अहिंसा सभी प्रकार के मानसिक, वाचिका, काहिक हिंसा से बचने की बात कही गई है। ये जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्रत है। और थर्ड बात करता आप प्रिय ग्रह, इसमें सब प्रकार के संपत्ति अर्जन भिक्षुओं को बचने की बात कही गई है। आस्ते इसमें अनुमति के बिना किसी दूसरे की संपत्ति ग्रहण करने से बचने की बात कही गई है। 5 बात कही गई ब्रह्मचर्य, इसमें भिक्षुओं को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की बात कही गई है। ध्यानते रहो कि तीर्थकार परशुनाथ द्वारा दिए गए 4 महाव्रतों में से महावीर का 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा गया है। कुचर्क एक संप्रदाय था उत्तर जैन धर्म का। दिगंबर एवं स्वतंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय थे। इसके अलावा 148 ईस्वी में स्वतंबर के मनु श्री कलश द्वारा यापनीय संप्रदाय की स्थापना की गई थी। कदम शासकों के अभिलेखों के स्वतंबर, दिगंबर और यापनीय संप्रदाय के अलावा कुचक्र श्वेत पट जैन संप्रदाय के उल्लेख प्राप्त हुआ है। जैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक बहु देश व्यापारी आस्तिक है? द्रोग अपवाद, उत्तर डी काल। एक किस्मत सवाल देखते हैं। जैन धर्म के कर्म परमाणु पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? डी निजरा। अवशिष्ट कर्म का जल जाना, ये पहले से विद्यमान कार्यों को क्षय हो जाना निर्जला कहलाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जो आजीव नामक 2 स्वतंत्र यु नेत्र तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो चेतन यु अजु अचेतना जड़ है। जैन मतानुसार अज्ञानता ही बंधन का कारण है। इसके कारण कर्म जीव की ओर से आकर्षित होने लगता है।
इसे अर्थ श्राव कहते हैं। कर्मों के जीव की ओर आकर्षित होने से रोकने के लिए त्रिरत्नों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र के आचरण का विधान किया जाता है। त्रिरत्नों के अनुसरण में कर्म का जीव और बहाव रुक जाता है, इससे समर कहते हैं। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगता है, धीरे धीरे कर्म परमाणु का पूर्ण विनाश हो जाता है, इससे अवस्था निर्जय कहा जाता है। ठीक, अब ये देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व के विनाशकारी पड़ने की अवधारणा में विश्वास नहीं है। उत्तर बी, जैन धर्म। विश्व विनाशकारी प्रलय के अवधारणा में जैन धर्म विश्वास नहीं करता है, क्योंकि जैन किसी भी प्रकार के हिंसा को सर्वत्र त्याज्य माना है। विश्व विनाशकारी प्रलय में हिंसा का बोध होता है, अतः विकल्प बी सही है। सरवण बेलगोला स्थित है, सी कर्नाटक में है। सरवण बेलगोला कर्नाटक में अवस्थित ये जैनियों का प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ पर चंद्रगुप्त जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ तपस्या के साथ अंत में जैन पदित संलेखना द्वारा अपना प्राणों को त्याग दिए हैं। किस धर्म के राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हो? उत्तर बी, जैन धर्म। राष्ट्रकूटों ने अपने शासनकाल में जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया। इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राजधर्म बनाया। अमोघ वर्ष प्रथम इंद्र चतुर्थ कृषि द्वितीय तथा इंद्र तृतीय जैन धर्म के तीर्थ समर्थक थे। अमोघ वर्ष प्रथम राजदरबार के प्रसिद्ध जैन विद्वान तथा अधिपुरा के लेखक जिनसे निवास करते थे। निम्नलिखित में राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? उत्तर है डी, खारवेल। खारवेल कलिंग का शासक था, जिसे जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। खारवेल के संबंध में भुवनेश्वर के निकट हाथी गुम्फा से प्राप्त शिलालेख द्वारा जानकारी प्राप्त होता है। हाथी गुफा भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी पहाड़ी से है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अंत चतुष में सम्मिलित नहीं किया जाता? उत्तर है अनंत शांति। अष्ट प्रत्याहारों से युक्त तीर्थकार अनंत चतुष्यों से मंडित होते हुए अनंत काल का अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर अनहत्ता भगवान के अनंत चतुष्टय हैं। अब दोस्तों में जैन धर्म से यहीं से जो है समाप्त करता हूँ। कल मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताऊंगा। आप लोग अभी तक हमारे जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किए, तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।